नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। नाम है विक्टर शिवांश पसी। जिस तरीके से आज हम लोगों ने मार्केट पे देखा था कि सेंसेक्स पे हम लोगों ने 1700 पॉइंट्स का एक करेक्शन देखा, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स जाके फॉल करा और निफ्टी ऑलमोस्ट 3.5% तक का फॉल कर चुका है। एग्जैक्ट दोनों अपने सपोर्ट लेवल पे एंटर कर चुके हैं, दोनों अपने सपोर्ट लेवल पे खड़े हैं। अब यहाँ से हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए, यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकती है, क्या रीजन था इस फॉल का एंड और क्या क्या न्यूज़ आ रही है जो हमारी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। बात करेंगे कि आज हम लोगों ने क्या ट्रेड्स लिए, प्लस हम लोग इन फ्यूचर अब क्या अपॉर्चुनिटी और किस बेसिस पे मार्केट को काम करते हुए चल सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं आज की। तो आज हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिए, पर्सनली मैंने भी मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लिए, सिर्फ मैंने और अच्छे से और ऑब्जर्व करा है मार्केट को कि मार्केट क्या कर रही है। बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर स्टडी करी है, न्यूज़ के ऊपर स्टडी करी आज बैठ के, एंड मुझे पता चला कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ रह सकता है। आज मार्केट में ट्रेड करने का समय नहीं था, आज मार्केट में ट्रेड करने का टाइम नहीं था। मार्केट अभी ये जो आपको मोमेंटम दे रही थी, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, हमें एक कैंडल का वेट करना है, चाहे वो अपसाइड आएगी चाहे वो डाउन साइड आएगी, और वो डाउन साइड कैंडल बन चुकी है। अगर आपने मेरी वो कल की वीडियो देखी होगी, वो डाउनसाइड कैंडल बन चुकी है, अब है ट्रेड करने का समय। अब कैसे करना है वो भी हम लोग डिसीजन लेंगे, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सो डोंट वरी, वीडियो के आखिर तक बने रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है और किस वजह से हो रहा है। मार्केट का जो फॉल आया है वो आया है एक फियर की वजह से, एक रैपिड फियर आया है जो मार्केट की वजह से आया है, मार्केट में आया, जो कि है लॉकडाउन। कि लॉकडाउन 2.0 दोबारा लग सकता है, हमने देखा था कि पिछले महीने लगा था पिछले साल को, एंड दोबारा लगने की चांसेस लग रहे हैं। केसेस की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 1.7 लाख केसेस पर डे इंक्रीज हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 70,000 केसेस महाराष्ट्र में। तो अभी बात भी चल रही है, शायद अभी कैबिनेट में बात चल रही है कि 2 वीक्स का लॉकडाउन शायद महाराष्ट्र में लग जाए, एंड यूपी में आप लोग देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है और उसे शायद एक्सटेंड करते करते लॉकडाउन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तो बातें भी ये चल रही है कि अगर एक कॉलोनी के अंदर एक घर पे किसी को कोरोना वायरस हो रखा है तो उस घर के 7 आसपास के घर इधर से भी और इधर से भी, लेफ्ट एंड राइट से भी, वो भी सील हो जाएंगे। सो बहुत ज्यादा फियर आ रहा है मार्केट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। अगर मैं आप लोगों को डाटा बताता हूँ, मेरे सामने डाटा है, अगर मैं IIP की बात करूं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करूं, तो वो भी 3.6% से श्रिंक कर चुका है फेब्रुअरी में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही है। दूसरी बात करूं तो मार्च का CPI का इन्फ्लेशन डाटा भी आया जो कि 5.52% आया, जो कि फेब्रुअरी में था 5.02, सो वो भी इंक्रीज कर रहा है। गाइस फियर हर जगह से बढ़ रहा है, देख रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें तो हमारी इंडियन रुपी एप्रिशिएट करी जा रही है, 75 रुपीस तक पहुंच चुकी है। हमारा डॉलर इंडेक्स, जो US का डॉलर इंडेक्स है, वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है, एंड वो हमारे लिए फियर बन सकता है। बॉन्ड यील्ड्स हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। सो सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट एक लोअर लेवल पे है। बट आप एक चीज को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें, आप एक पॉइंट को देखिएगा, मैं आपसे कन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट में। आप देखिएगा, ये जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई है, ये पास्ट फ्यू मंथ्स में पहले भी हो चुकी है, ये तब से चलती भी आ रही है। बॉन्ड यील्ड्स तब भी बढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे कोरोना वायरस के केसेस तब भी बढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स तब भी काम नहीं अच्छे से कर रहा था, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि मैंने डॉलर इंडेक्स बाय कर रखा है, इंडियन रुपी अप्रिशिएट कर रखा है, मैंने दोनों कर रखे हैं। और तो इस वजह से आपको किस तरीके से करना चाहिए था, पहले जब ये सिनेरियो था तब मार्केट ऊपर जा रही थी, कंटिन्यूसली ऊपर जा रही थी। सो आप एक पॉइंट को समझेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेगा, जब सारी की सारी बैड न्यूज आती है, मतलब इधर से भी बैड न्यूज, इधर से भी बैड न्यूज, इधर से भी बैड न्यूज, हर जगह से बैड न्यूज अगर आती है, तो और मार्केट रेगुलरली नीचे भी गिर रही है, तो वो एक पॉइंट होता है, मतलब वहां पर हम लोग एक पॉइंट समझ सकते हैं कि शायद एक बॉटम बनने वाला है। यस गाइस, शायद एक बॉटम बनने वाला है, एक हफ्ता दो हफ्ते के अंदर अंदर बॉटम बन जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब फॉल यहीं तक ही रहेगा, फॉल मैं कह रहा हूँ 10,000 पॉइंट भी नीचे गिर सकती है, बट एक बॉटम बनने वाला है। ठीक है, जब सारी बैड न्यूज आती है और मार्केट उसके हिसाब से चलती है, तो यानी कि वो क्लब करके एक बॉटम, एक बेस बनाना स्टार्ट कर रही है। ये सारी बातें हम लोगों को रिमाइंडर के थ्रू में रखनी पड़ेगी। आपको पता होगा, जब सारी गुड न्यूज आती है और मार्केट ऊपर जा रही होती है, एक पीक बन जाता है। आपको पता होगा, एक पिछले साल के बजट में भी ऐसा हुआ था,
हम लोगों ने बात करेंगे। तो एग्जैक्ट वैसा ही होता, देखिए आपको साइकोलॉजी के वे पे काम करना पड़ेगा, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग लेकर चलनी पड़ेगी। बट मैंने कहा अभी के अभी वो नहीं हुआ है, अभी के अभी बॉटम नहीं बना है। सो करना क्या है, आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, देखिए ये वीडियो आप लोगों को पता होगी कि मैं बनाता हूँ 5 स्टॉक से रिलेटेड, बट मैं कल कोई भी स्टॉक्स आप लोगों को बाय सेल करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करने वाला। अभी हमें मार्केट पे इंडेक्सेस पे काम करना है, प्लस अभी हमें मार्केट पे उन स्टॉक्स को बाय करना है जो हमें डिप में मिल पाए फॉर आवर इन्वेस्टिंग पर्पस। ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, अभी 1 से 2 से 3 दिन में ट्रेडिंग के लिए नहीं जाने वाला। आज मुझे सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है एंड उसी के बेसिस पे ट्रेड लेंगे। देखिए हर दिन ट्रेड लेना सही रहता है, बट अगर आप कोशिश करो कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले आप तभी ट्रेड लो। ऐसा नहीं होता कि आपको हर दिन ट्रेड लेना है, आपको हर दिन ट्रेड लेना है, आपको हर दिन 2 स्टॉक्स में बाय करना है, ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होता। मैं भी बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ, जब मेरे पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है तब मैं ट्रेड करता हूँ, डेफिनेटली सारे टारगेट्स अचीव करते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कल एक स्टॉक बताया था कैपनी पॉइंट बाय करने के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को शायद टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। ऑलमोस्ट आज 5 से 6% की फॉल करी है, यस फॉल करी है, मैं 5% पे एग्जिट कर देता हूँ, बट मैंने एग्जिट नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा, मैं अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज मैंने पोर्टफोलियो ही ऐसा बना रखा है कि अगर मार्केट रिकवर करी तो जितना आज वो गिरा उससे 2 गुना वो बढ़ सकता है। ठीक है, सो मैं अपने पोर्टफोलियो को कभी भी प्रॉफिट बुकिंग के थ्रू मैं लेकर जाऊंगा, मैं अपने पोर्टफोलियो को उस टाइम पे जाके एवरेजिंग करूंगा जब मेरे को पता हो कि वहां से मार्केट बढ़ सकती है, और वो टाइम मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, सो अब करना क्या है, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे लेकर चलता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए कल या परसों मुझे याद नहीं है, मैंने इन 2 डेज के अंदर यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी अपने 5 स्टॉक से रिलेटेड, एंड मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स एग्जैक्ट अपने बॉटम चैनल पे है और यहाँ से बढ़ सकता है, और मैंने आपको बताया था हम लोगों ने फ्यूचर्स बैंक निफ्टी के शॉर्ट कर रखे हैं। अब आपको पता चल गया होगा जो हम बोल रहे हैं एग्जैक्ट मार्केट वैसा काम कर रही है, बट आपको देखना है कि मुझे पता है कि मार्केट ऐसा काम कर रही है बट मैं तब भी ट्रेड नहीं कर रहा। देखिए इसके पीछे का ये नहीं कि मैं मार्केट को इस वे में लेकर चल रहा हूँ, बट हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट अगर बाय चांस रिवर्स करती है तो हम लोग लॉसेस भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई डायरेक्शनल मूव नहीं आई है, अभी एक फियर है मार्केट के अंदर कोविड के केसेस का, उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। यूएस मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, क्या रीजन है इसके पीछे का? ठीक है, वहां पर हम लोग देख रहे हैं मनी प्रिंट हो जा रही है, वो लोग एक्सेसिव बेनिफिट्स दे जा रहे हैं। ठीक है, सो उसके बेसिस पे वहां पर भी एक रिसेशन आने के चांसेस हैं जो कि बढ़ रहे हैं, और वहां से भी मार्केट नीचे गिर सकती है। ठीक है, अभी हमारी मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुकी है, अब यूएस की मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, मुझे लगता है आज जब मार्केट खुलेगी तब से गिरना स्टार्ट कर देगी, एंड वो हमारी मार्केट को कंटिन्यू लेकर जाएगी, और जब वो रुकेगी हमारी मार्केट एक बेस बना चुकी होगी। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आई थिंक वीडियो लंबी हो गई होगी, पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या समझाना था। सारा साइकोलॉजी के ऊपर बेसिस है, मैं आप लोगों से वादा करूंगा कि मैं भी ट्रेड नहीं करने वाला, बट आप लोग भी ट्रेड मत करिए इंट्राडे के अंदर, ज्यादातर इंट्राडे मत करिए। पोजिशनल लेकर जाने हो तो एवरेजिंग के बेसिस पे, ये नहीं कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो आज मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे गिरी आपने 1,00,000 के 1,00,000 शेयर उठा लिए, 20,000 के उठाओ, मैं अभी भी कह रहा हूँ मार्केट अभी पूरी नीचे नहीं गिरी है। ठीक है, सो हम लोग आपको बताते रहेंगे कि कौन से स्टॉक्स है, क्या करना है, किस बेसिस पे करना है, बट चलते हैं अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ और उसी पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक्स को अभी भूल जाते हैं एक हफ्ते के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, एंड निफ्टी के चार्ट पर जिस तरीके का आपको ये सेटअप दिख रहा है, ये एग्जैक्ट सेटअप मैंने आपको शायद कल अपने निफ्टी के सेटअप पे दोबारा दिखाया था, एंड मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि ये सेटअप क्या है, बट मैंने आपको एक चीज डेफिनेटली बताई थी, मैंने आपको बताई थी ये चीज कि ये एक नो ट्रेडिंग जोन है और एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट थी। मैंने बोला था अगर ये वाला रेंज ब्रेक करती है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, अगर आपको पता नहीं, अगर आपने वो प्रीवियस वाली वीडियो कल वाली नहीं देखी है आप जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये तीनों टारगेट्स आपको बताए थे, एंड एग्जैक्ट इसी टारगेट को टेस्ट करके स्टॉक ऊपर जाना या इंडेक्स ऊपर जाना स्टार्ट करें। क्या रीजन था, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया कैसे, ये एग्जैक्ट जो आप देख रहे हैं ये मैंने कैसे बनाया, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। यस, आप देख रहे होंगे कि कुछ डॉटेड लाइंस हैं, कुछ जोन्स हैं, कुछ अलग लाइंस हैं, ये कैसे ड्रॉ करी जाती है, इनका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, क्रिएटिविटी कैसे लाए, तो वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी एक डेडिकेटेड वीडियो पे जो मैंने बना रखी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जो कि वेडनेसडे को अपलोड हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, एंड आप जाके चेक कर सकते हैं।
तब तक के लिए बी पेशेंट्स। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे वो वीडियो कभी भी आए तो आप उसे सबसे पहले देख पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इतनी चीज तो आपको पता चल गई है कि कैसे बनेगा, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। हम लोगों ने जो कल बात करी थी कि ये लेवल ब्रेक होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट हमारा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट तीनों टारगेट्स अचीव करें हमें पता था, जैसे मैंने आपको बताया था हमें पता था, बट हमें ट्रेड नहीं करना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट एक फियर की वजह से चल रही थी, जो कि कोविड के केसेस राइजेस हो रहे थे। एक सडन ब्रेक थ्रू था, मतलब एक सडन ब्रेक फॉल था, उसके बेसिस पे मैं कभी ट्रेड नहीं करता, ना मैं सलाह देता हूँ कभी किसी को ट्रेड करने की। इस वीडियो में सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात होगी, कोई स्टॉक्स की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद ट्रेड नहीं करने वाला, तो मैं नहीं सलाह दूंगा। ओके, लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो। आप देख सकते हैं यहां पर एक डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट करा है। बात करते हैं आरएसआई की। सो आरएसआई पे अगर मैं यहां पर चेक करता हूं, ये एक बॉटम था। ठीक है, एंड ये जो बॉटम बना है, ये एग्जैक्ट बना है एट दिस पर्टिकुलर लेवल। लेट मी शो यू। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पे हमने एक बॉटम बनते हुए देखा। सो आप इजीली एक चीज चेक कर सकते हैं कि जो बॉटम है, जो एग्जैक्टली एक बॉटम बना है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट अगर मैं बात करूं इस लेवल की, इस पॉइंट की, जो एक सडन फॉल आया था, उसने पूरा का पूरा नीचे लेकर चला गया था आरएसआई को, वो जनरली होता है, तो मैं इसे ना एप्लीकेबल नहीं करूंगा। एक सडन कैंडल के साथ अगर जब भी वो होता ना, तो मैं आरएसआई को देखता नहीं। ठीक है, अगर हल्के हल्के फॉल आके होता तो मैं उसे ही मानता, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। सो मैं देख रहा हूँ कि एक डायवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव डायवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल से ही ये बाउंस करके ऊपर जा रहा है। सो अब ट्रेड क्या है, अब करना क्या है? मैंने आपको बोला निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही अब ट्रेड करना है, क्योंकि कंफर्मेशन मिल गया ना सेल साइड। देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं करने के। मैंने आपको इतना बता दिया कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो सेल ऑन राइज करना है। क्या करना है? सेल ऑन राइज करना। ठीक है, मार्केट अभी ट्रेड कर रही है एग्जैक्ट 14,350 के आसपास, 14,350 के आसपास ट्रेड कर रही है। करना क्या, मार्केट अगर बाय चांस 14,470 चली जाती है, मतलब ये जो एक हमारा सेकेंड टारगेट था, अगर मार्केट यहां तक जाती है, आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन, एक रीटेस्ट और एक फॉल आया है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जो हम लोगों ने बना रखा है, ये कैसे बना है आपको वेडनेसडे को पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा ये ऊपर जा सकता है एग्जैक्ट, यहां से रीटेस्ट कर सकता है। रीटेस्ट करने के बाद कोई भी इनडिसाइसिव कैंडल दिखती है, फॉर एग्जाम्पल डोजी दिख जाती है, फॉर एग्जाम्पल हैमर दिख जाता है, फॉर एग्जाम्पल शूटिंग स्टार दिख जाता है, कैंडल स्टिक पैटर्न, तो वहां पर आप एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते। सेकेंड पॉइंट, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो भी हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो फॉर दैट लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फॉर यू ऑल। ठीक है, जब डेली टाइम फ्रेम ओपन कर रहे हैं, तो आप यहां देख सकते हैं स्टॉक ने परफॉर्म कैसा करा है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ओके, देखिए सबसे पहले एक फॉल करा, ठीक है, उसके बाद दोबारा ऊपर गया, उसके बाद दोबारा नीचे आया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर, प्रीवियस लो को ब्रेक करा, उसके बाद दोबारा ऊपर गया। एंड आप एक चीज देखिएगा, जो ये पहला रेजिस्टेंस था और ये वाला रेजिस्टेंस है सेम है, मतलब मल्टीपल यहां पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है एट 14,870 पे। सो जब तक 14,900 का लेवल ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आता, एक फ्रेश बाइंग पोजिशन शायद मार्केट पे इनिशिएट ना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब तक इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक एक फ्रेश बाइंग पोजीशन इनिशिएट नहीं हो पाएगी शायद। अब आप एक चीज देखिएगा, लेट मी जस्ट वेट अ सेकेंड। सो अब यहां पर हमें क्या देखना है, आप देखिएगा इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम टाइप सिनेरियो। ठीक है, दूसरी चीज, ये गैप डाउन, आप ये गैप अप देख रहे हैं, ये जो गैप अप हुआ था, इस गैप अप को फिल करा है इसने दो बार। अब दो बार कर चुका है, तो मैं कह रहा हूं दूसरी बार भी बाउंस कर जाता है, नो प्रॉब्लम। बट आपको मैंने सिखा रखा है, अगर दूसरी बार से ज्यादा ये नीचे आके रिटेस्ट करता है, दैट मींस वो लेवल वीक हो चुका है, और वो ब्रेक होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इस बेसिस पे फिर हम लोग शॉर्ट के लिए ज्यादा सोचेंगे। शॉर्ट अभी भी कर सकते हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करेगा, स्टॉक ने करा क्या, एक शार्प फॉल आई है, तो आपके माइंड में आ रहा है वो कंटिन्यू फॉल कर सकता है। बट एक चीज और देखिएगा, शार्प फॉल कंटिन्यूसली यहां पर भी दो दिन आया, फिर एक गैप अप उसके साथ ऊपर चला गया। So, हमें पूरी चीजों ऑब्जर्व करनी है। देखिए आज का मतलब क्या था, कंफर्मेशन लेने का।
कल का मतलब क्या है, क्या वो कंफर्मेशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब कल आ जाएगी ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, थर्सडे को ऐसी हॉलीडे है मार्केट की, तो मार्केट पे ये हफ्ता थोड़ा कम है, तो इस हफ्ते में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और समझना है मार्केट का बिहेवियर, क्योंकि एक बार आप मार्केट का बिहेवियर एक हफ्ते के अंदर समझ जाओगे तो आप पूरा महीना मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, ब्लाइंडली ट्रेड कर सकते हो और आप इवेंचुअली हर ट्रेड में प्रॉफिट निकल सकते हो। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बट थोड़ा सा बी पेशेंस, समझने की कोशिश करिए, हर दिन ट्रेड लेने की कोशिश ना करिए, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स को भी नहीं दे रखा, एक रीजन था और मैंने खुद भी नहीं ले रखा है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने देखिए अपना तो इसने डबल बॉटम क्रिएट कर दिया, बैंक निफ्टी ने क्या क्रिएट करा उसके बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने एक हार्मोनिक पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न क्रिएट करा है, एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न को व्हाट वी कैन कॉल हार्मोनिक गाटले पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। ये गाटले पैटर्न इसने क्रिएट करा है, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो बाय मेकिंग इट। इसने गाटले पैटर्न को फॉर्म करा और जो इसका रीटेस्ट होता है, मतलब जो एक फॉल आता है ऊपर टॉप से एक फॉल आता है, वो आता है एग्जैक्ट 886% के रिट्रेसमेंट लेवल पे। ये देख रहे हैं 886% के रिट्रेसमेंट लेवल पे एक फॉल आता है और वहां से वो बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग कहते हैं गाटले पैटर्न, एंड लेट मी शो यू इसके टारगेट्स कैसे मैनेज करता है, ठीक है। अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूं, सो फॉर दैट फर्स्ट आई नीड टू रिमूव दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ड्रॉ दिस। सो आई थिंक द टारगेट शुड बी अराउंड 32,900 के, ठीक है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी, मैंने बोला यार फियर भी है, ठीक है, फियर के बेसिस पर मैं ट्रेड करता नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक बार अगर वो फियर के चांसेस होने गए तो हमारी मार्केट ऐसा रिवर्स मारेगी कि हम सारा का सारा लॉस भूल जाएंगे, लॉस कर बैठेंगे और सारा प्रॉफिट भूल जाएंगे, सॉरी, ठीक है। So, उस बेसिस पे वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द मार्केट एंड उसी के बेसिस पर हमें ट्रेड करना। अब लेट्स मूव टू अ अर्ली टाइम फ्रेम, ठीक है। अर्ली टाइम फ्रेम आप देखिएगा एग्जैक्ट अपने 886% लेवल से ही अप मूव किया है और उसने डबल बॉटम क्रिएट करके डिमांड जोन पे क्रिएट करके वो निफ्टी ऊपर गया। सो दोनों चीजें मैं बता रही है कि यहां से मार्केट शायद ऊपर जा सकती है, कहां तक ऊपर जा सकती है ये हमें पता करना, ठीक है, ये चीज हमें पता करनी है। Let's aim for 31,400 मतलब यहाँ से 500 रुपए मार्केट ऊपर जा सकती है और निफ्टी 100 रुपए ऊपर जा सकती है। बैंक निफ्टी 500 से 400 पॉइंट, निफ्टी 100 से 150 पॉइंट ऊपर जा सकती है। इसके बेसिस पे फिर हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तभी जब हमें कोई रिवर्सल दिखेगा। ऐसे नहीं कि वहां लेवल पे पहुंच गया तो शॉर्ट कर दिया, जब तक रिवर्सल ना देखे तब तक शॉर्ट पोजिशन नहीं करनी, बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक अच्छे लेवल और देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है। और मुझे थोड़ा सा लग रहा है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो शायद इन द एंड मार्केट पे रिकवरी भी आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको तभी बता रहा हूँ कि ये हफ्ता हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सारे ट्रेड्स को समझना है, उसके बेसिस पे फाइंडिंग्स करनी है, फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए स्टॉक्स फाइंड करने हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है और सारी चीजें, और ठीक है। सो इसी के साथ एंड करते हैं, बिकॉज अभी मेरा जो सोली फोकस कर रहा हूँ इस हफ्ते, तो मैं मार्केट पे ट्रेड करने के लिए नहीं कर रहा, मैं अभी फॉरेक्स पे ही ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि वो तो 24 घंटे मार्केट ओपन होती है, तो मैंने सोचा यहाँ से डाइवर्स करके थोड़ा उधर ट्रेड करा जाए, ओके। सो अभी के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी सारे डाटा शेयर करने वाला हूँ, एंड जो मेरे 10 लाख वाले हैं उनके साथ मेरी कल जूम मीटिंग भी होगी, मैं उन्हें बताऊंगा, अगर उन लोगों ने वीडियो देख ली होगी तो उन्हें पता चल जाएगा। सो आई होप मैंने आप लोगों को सारा कंसेप्ट समझा दिया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो और ये कंसेप्ट समझ में आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलते रहेंगे आप लोगों से इसी डेडिकेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं शिवांश बसी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।